चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस की सूचना आपको सहजता से प्राप्त हो सके। उत्तर भारत का प्रमुख औद्योगिक शहर, उत्तराखंड राज्य के 8 नगर निगमों में एक, यूके 18 से पंजीकृत होने वाले वाहनों का अधिकृत नगर, जनसंख्या के दृष्टिकोण से ऊधम सिंह नगर जनपद का दूसरा, कुमाऊं मंडल का तीसरा एवं उत्तराखंड राज्य का छठा सबसे बड़ा शहरी क्षेत्र, ढेला नदी के पूर्वी तट पर बसा ऐतिहासिक महानगर काशीपुर। दिल्ली से वाया मुरादाबाद लगभग 220 किलोमीटर की दूरी तय करने के पश्चात उत्तराखंड की सीमा में प्रवेश करके औद्योगिक क्षेत्र एवं बाईपास क्रॉसिंग, नवीन मंडी स्थल एवं ढेला नदी को पार करने के पश्चात काशीपुर शहर में प्रवेश किया जाता है। वैदिक काल में गोविषाण एवं 7वीं शताब्दी के आसपास उज्जैनी नगरी के रूप में विख्यात काशीपुर का नाम काशीपुर 1722 ईस्वी के आसपास कुमाऊं के राजा देवीचंद के मुख्य अधिकारी काशीनाथ के नाम पर पड़ा, जिन्होंने काशीपुर को नए सिरे से बसाया। मुरादाबाद मार्ग शहर के रेलवे स्टेशन तिराहा पर पहुंचता है, जहां से दक्षिण की ओर से आने वाला मार्ग अलीगंज रोड के रूप में पहचाना जाता है। अलीगंज मार्ग पर एक और मुख्य चौराहा टांडा उज्जैन चौक से पूर्व का मार्ग शुगर मिल रोड, दक्षिण का मार्ग अलीगंज एवं दक्षिण पूर्व का मार्ग रामपुर जनपद के दढ़ियाल की ओर प्रस्थान कर जाता है। रेलवे स्टेशन चौराहे से उत्तर की ओर स्टेशन रोड प्रारंभ होता है, जहां दाएं हाथ की ओर काशीपुर जंक्शन स्थित है। 1908 से संचालित यह रेलवे स्टेशन 3 रेलवे मार्गों का केंद्र है, उत्तर में रामनगर, पूर्व में लालकुआं जंक्शन एवं दक्षिण का रेल मार्ग मुरादाबाद जंक्शन से जोड़ता है। रेलवे स्टेशन मार्ग उत्तर की ओर छतरी चौराहा की ओर बढ़ जाता है। 1801 में काशीपुर अंग्रेजों के हाथों में चला गया। 1839 में इसे मुरादाबाद जनपद में सम्मिलित किया गया। 1844 में इसे तहसील घोषित किया गया। 1860 के आसपास तराई जिले की स्थापना की गई और काशीपुर को जिला मुख्यालय बनाया गया, किंतु 1891 में तत्कालीन कुमाऊं जिले की नैनीताल तहसील को तराई जिले में सम्मिलित करके काशीपुर से जिला मुख्यालय नैनीताल स्थानांतरित कर दिया गया एवं तराई जिले का नाम भी बदलकर नैनीताल कर दिया गया। लंबे अरसे बाद 1994 में नैनीताल जिले की 4 तहसीलों काशीपुर, किच्छा, सितारगंज एवं खटीमा को जोड़कर ऊधम सिंह नगर जिले की स्थापना की गई और मुख्यालय बना रुद्रपुर। वर्तमान में काशीपुर ऊधम सिंह नगर जिले की 9 तहसीलों में एक है। छतरी चौराहा काशीपुर का केंद्र बिंदु है। यहाँ वर्तमान में एक ऊपरगामी सेतु का निर्माण कार्य प्रगति पर है। यहाँ से उत्तर में रामनगर रोड, पूर्व में बाजपुर रोड एवं पश्चिम में सड़क मैन बाजार एवं पश्चिमोत्तर की सड़क जेल रोड के रूप में पहचानी जाती है। मैन बाजार की ओर बढ़ते हुए काशीपुर के आधुनिक व्यापार की चमक स्पष्ट नजर आती है। मैन बाजार में बढ़ते हुए कोतवाली काशीपुर एवं काशीपुर के नगर निगम का कार्यालय स्थित है। 2013 में काशीपुर को नगर पालिका से उच्चीकृत करके नगर निगम घोषित किया गया। काशीपुर के शहरी क्षेत्र में वर्तमान में 2,27,000 की जनसंख्या निवास करती है। इसका शहरी क्षेत्र वर्तमान में नगर निगम काशीपुर समेत शहर से सटी अनेकों ग्राम पंचायतों तक फैला हुआ है। मुख्य बाजार पश्चिम की ओर बढ़ते हुए अनेकों व्यापारिक प्रतिष्ठानों से गुजरते हुए हनुमान चौक स्थित पुरानी सब्जी मंडी चौक पर पहुंचता है, जहां ऐतिहासिक छोटे नीम के नीचे अनेकों महान विभूतियों जैसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी इत्यादि ने सभाओं को संबोधित किया है। हनुमान चौक से उत्तर की ओर एक मुख्य सड़क डॉक्टर लाइन के रूप में पहचानी जाती है। यह बाजार आगे चलकर कटोरा ताल क्षेत्र में जोड़ता है। छतरी चौराहा से पश्चिमोत्तर में प्रारंभ होने वाले जेल रोड पर कुछ दूरी तय करते ही बाएं हाथ पर पुलिस अधीक्षक काशीपुर का कार्यालय स्थित है। इसी स्थान पर उत्तर प्रदेश के समय में
उप जिलागारागार संचालित होता था। जेल रोड पर थोड़ा आगे बढ़ते ही चंद्रावती तिवारी बालिका महाविद्यालय स्थित है। यहाँ स्थित त्राहे से उत्तर की ओर पंजाबी सभा रोड एवं पश्चिम में रतन सिनेमा रोड प्रारंभ होता है। रतन सिनेमा रोड काशीपुर में बेहद तेजी से विकसित होते हुए बाजारों में एक है। यहाँ अनगिनत देशी एवं विदेशी ब्रांडों के शोरूम दोनों ओर कतारबद्ध नजर आते हैं। कुछ दूरी तय करते ही उत्तर की ओर रतन सिनेमा का परिसर स्थित है, जो अब उच्चीकृत होकर एक मॉल का रूप ले चुका है। रतन सिनेमा रोड पश्चिम की ओर शहर के अनेकों भागों से होते हुए डॉक्टर लाइन बाजार में समाहित हो जाता है। छतरी चौराहा से उत्तर की ओर जाने वाली सड़क रामनगर रोड शहर की बेहद मुख्य सड़कों में गिनी जाती है। यह सड़क चीमा चौराहे पर पहुंचती है। चीमा चौराहे पर स्पेक्ट्रम मॉल स्थित है, जो अपनी भव्यता से प्रत्येक व्यक्ति को मोहित कर लेता है। चीमा चौराहे से पश्चिम की सड़क कटोरा ताल रोड के रूप में पहचानी जाती है, जो शहर के पश्चिमी छोर पर स्थित उदयराज हिंदू इंटर कॉलेज एवं गुरुद्वारा ननकाना साहिब से जोड़ती है। गुरुद्वारा ननकाना साहिब के दर्शन के बिना काशीपुर की यात्रा अधूरी है। चीमा चौराहे से पूर्व की ओर की सड़क कुंडेश्वरी रोड के रूप में पहचानी जाती है। यह मार्ग रेलवे लाइन को पार करके जसपुर खुर्द क्षेत्र में प्रवेश करती है। यहाँ काशीपुर का दीवानी न्यायालय एवं उपजिलाधिकारी कार्यालय इत्यादि स्थित हैं। इस मार्ग पर काशीपुर लगभग 2 किलोमीटर की दूरी तक फैला हुआ है। यह सड़क आरटीओ ऑफिस होकर कुंडेश्वरी की ओर प्रस्थान कर जाती है। चीमा चौराहा से रामनगर रोड उत्तर की ओर बढ़ जाता है। यह सड़क स्टेडियम चौराहा इत्यादि से होते हुए नैनीताल जनपद के रामनगर की ओर प्रस्थान कर जाती है। छतरी चौराहे से पूर्व की ओर जाने वाली सड़क बाजपुर रोड पर वर्तमान में रेलवे ऊपरगामी सेतु का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इस मार्ग पर चंद कदमों की दूरी तय करते ही प्रिया मॉल स्थित है, जो प्रिया सिनेमाघर को उच्चीकृत करके बनाया गया है। रेलवे लाइन को पार करने के पश्चात काशीपुर डिपो का बस स्टैंड स्थित है, जहां से उत्तराखंड के समस्त शहरों एवं उत्तर प्रदेश दिल्ली के लिए बस सेवाएं उपलब्ध हैं। इस मार्ग पर पूर्व की ओर बढ़ते हुए विकास सिनेमा हॉल नजर आता है, जो अब संचालन में नहीं है। थोड़ा और आगे बढ़ने पर सीधे हाथ की ओर एवं आवास विकास कॉलोनी का प्रवेश द्वार नजर आता है। आवास विकास कॉलोनी बेहद विकसित एवं घनी आबादी वाला क्षेत्र है। यहां से आगे बढ़ते हुए कुछ दूरी तय करने के पश्चात दाएं हाथ की ओर द्रोणा सागर स्थित है। प्रचलित कथाओं के अनुसार यह स्थान महाभारत काल में पांडवों ने अपने गुरु द्रोणाचार्य के लिए निर्मित कराया था। द्रोणा सागर के निकट ही एक पुराना किला भी स्थित है, जो पूरी तरह जमींदोज हो चुका है। यहां से आगे बाजपुर रोड पूर्व की ओर बढ़ते हुए शहर के अनेकों भागों से गुजरता है। काशीपुर शहर को 2 थाना क्षेत्रों काशीपुर कोतवाली एवं आईटीआई थाना क्षेत्र में विभाजित किया गया है। बाजपुर मार्ग पर ही राधे हरि स्नातकोत्तर महाविद्यालय एवं आईटीआई काशीपुर इत्यादि स्थित हैं। यह मार्ग पुलिस फायर स्टेशन इत्यादि से होकर शहर के पूर्वी छोर पर स्थित चैती चौराहा पर पहुंचता है। चैती चौराहा से दक्षिण की ओर जाने वाली सड़क शुगर मिल, पूर्व की ओर जाने वाली सड़क बाजपुर एवं उत्तर की ओर जाने वाली सड़क चैती मंदिर की ओर जाती है। चैती मंदिर काशीपुर का सबसे मुख्य स्थान है। यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु मैया के दर्शनों एवं पूजा अर्चना हेतु एकत्रित होते हैं। यहाँ एक भव्य मेले का आयोजन भी किया जाता है। काशीपुर में मैन बाजार स्थित कोतवाली एवं नगर निगम के पीछे तहसील काशीपुर एवं सब्जी मंडी रोड गुजरता है, जो बांस फोड़ान क्षेत्र से जोड़ता है। काशीपुर में पूर्व समय में 4 सिनेमाघर थे, जिनमें 3 सिनेमाघर उच्चीकृत होकर मॉल बन चुके हैं एवं 1 सिनेमाघर पूर्णतः बंद पड़ा हुआ है। काशीपुर में आना और इसे कैमरे में कैद करना मेरे लिए सौभाग्य का विषय था। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें,
काशीपुर पर बना यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने उन मित्रों एवं प्रियजनों के साथ शेयर करें जो काशीपुर क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। आपसे मुलाकात होगी अगले ऐसे ही किसी वीडियो में। तब तक आपका मित्र मैं ध्रुव वर्मा आप सभी से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।